छात्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा संधि की परिभाषा, संधि के भेद और उसमें स्वर संधि के भी भेद हमने देखे थे। तो संधि के तीन भेद देखे थे, एक स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। और स्वर संधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वर संधि के भी पांच भेद हमने लिखे थे और वो थे, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। ऐसे पांच भेद देखे थे, उसमें से दो भेदों की जानकारी हमने प्राप्त की थी और जो बचे हुए संधि के भेद है, स्वर संधि के भेद है, उसकी जानकारी आज इस वीडियो के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। तो स्वर संधि का तीसरा जो भेद है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किस तरह से होती है देखिए, इसमें अय और औ, अगर संधि करते समय अय और औ ऐसे स्वर लगाए जाए तो यह वृद्धि संधि कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक धन एक, यहाँ पर देखो अंतिम वर्ण जो है वो है क, क में अ का स्वर छिपा है और यहाँ पर ए है, तो अ और ए मिलकर क्या होते हैं, अय होता है। तो यहाँ पर शब्द बनेगा एक एक। यहाँ पर देखिए महाधन ऐश्वर्य, यहाँ पर आ का स्वर है, यहाँ अय है, तो आ और अय मिलकर क्या बनते हैं, अय ही बनेगा। महा महेश्वर्य, आ और अय मिलकर अय ही बनेगा, इसलिए यहाँ पर शब्द बनेगा महेश्वर्य। देखो सदा धन एव, तो आकाश्वर है, यहाँ ए है, तो ये दोनों मिलकर ऐ की मात्रा यहाँ पर लगेगी, शब्द बनेगा सदैव, ये ध्यान में रखिए। तथा धन एव, यहाँ आकाश्वर है, यहाँ ए का स्वर है, तो शब्द बनेगा तथैव। ध्यान में रखिए यहाँ अय है, जहाँ जहाँ आपको ऐसे शब्द नजर आएंगे वो क्या होंगे, वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे। धन ऐश्वर्य, तो शब्द बनेगा धनैश्वर्य। देखिए यहाँ पर वन धन औषध, तो शब्द बनेगा वन औषध, कैसे देखिए। देखो यहाँ पर अ का स्वर है और यहाँ औ का स्वर है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा स्वर जो है वही बनेगा औ, वन औषध, शब्द बनेगा वन औषध। महा धन औषध, यहाँ पर बड़ा स्वर कौन सा है, औ, औ का है। जब जब औ यहाँ पर दीर्घ संधि, मतलब यहाँ पर वृद्धि संधि करनी है, तो हमें क्या करना है, बड़ा जो स्वर है यहाँ पर औ, औ ही बनता है, तो औ ही लगेगा महौषध। इस हा को क्या लगेगा, हव का स्वर लगेगा, तो शब्द बनेगा महौषध। देखो यहाँ पर परम धन औषध, यहाँ अ है, इस म में अ का स्वर छिपा है, यहाँ अव है, तो शब्द बनेगा परम औषध। देखो यहाँ पर अ है और अय है, तो शब्द बनेगा मतैक्य। यहाँ पर देखो दंत धन ओष्ठ, अ और ओ मिलकर क्या बनेंगे, दंतौष्ठ। नियम देखिए क्या है, अ और यहाँ ए है, बनता है अय, यहाँ आ है, यहाँ अय है, बनता है अय, आ है, ए है, बनता है अय, देखो सदैव शब्द बना है। ता यहाँ पर था है, ए है, तो तथैव। धन न है, अय है, बनता है धनैश्वर्य। यहाँ वन औषध, न है, औ है, क्या बना, नौ, वन औषध। महाधन औषध, महौषध। परम धन औषध, परमौषध। मत धन ऐक्य, मतैक्य। दंत धन औष्ठ, दंतौष्ठ। तो
तो यहाँ पर हमारा जो वृद्धि संधि है वो समाप्त होता है। वृद्धि संधि में हमने देखा कि ऐ और औ का स्वर बनता है, तो यहाँ पर यण संधि, यण संधि में य, व और र ऐसे स्वर बनते हैं। देखिए अति धन अधिक, अति धन अधिक, इससे इनके मेल से ती, यहाँ पर ई की ई का स्वर है और यहाँ अ है, ई के साथ भिन्न स्वर है, अ का स्वर है, तो यहाँ बनेगा अत्यधिक। शब्द इस तरह से बनेगा अत्यधिक, देखो अत्यधिक, ई और अ मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पर य आएगा, य आया है और उसका तो आधा हुआ है, तो शब्द बना है अत्यधिक। यहाँ देखिए अति आचार, यहाँ ई है और यहाँ आ है, ई के साथ भिन्न स्वर है आ, आ यहाँ पर है, तो शब्द बनेगा अत्याचार। प्रति एक, यहाँ ई का स्वर है, यहाँ ए है, तो क्या बनेगा, प्रत्येक, शब्द बनेगा प्रत्येक, प्रति एक, प्रत्येक। यहाँ देखो सु धन आगत, सु धन आगत, यहाँ उ का स्वर है, यहाँ आ है, तो बनेगा व, उ और आ जोड़कर बनते हैं व, तो यहाँ शब्द बनेगा स्वागत। देखो ई अ मिला त, यहाँ पर य, ई आ मिला य, ई ए मिला यहाँ पर य हुआ, तो यहाँ पर देखो उ और आ मिल रहा है, उ और आ मिल रहा है, तो व बनता है स्वागत, शब्द बना स्वागत। यहाँ अनु धन अय, अनु धन अय, शब्द बनेगा अन्वय, क्या शब्द बनेगा, अन्वय, यानी देखो यहाँ उ है यहाँ अ है, दोनों के मेल से शब्द बनता है अन्वय, व उ और अ जोड़कर बनेगा व, और ये जो न है वो आधा हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार से बनेगा प्रत्युपकार, नियम से इसको मिलाकर देखिए प्रत्युपकार कैसे बना है, यहाँ ई है यहाँ उ है, तो दोनों के मेल से त्य, यहाँ पर य आया है और ये जो त है वो आधा बना है, प्रत्युपकार शब्द हुआ है। अनु धन एशन, अनु धन एशन, यहाँ उ है यहाँ ए है, तो क्या बनेगा व, अन्वेषण, शब्द बनेगा अन्वेषण। देखिए यहाँ मातृ धन आज्ञा, तो त्रु यहाँ पर री की मात्रा है, री की मात्रा और यहाँ आ का स्वर है, तो बनेगा र। देखो यहाँ पर मात्राज्ञा, यहाँ पर शब्द बनेगा मात्राज्ञा। यहाँ देखो पितृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा, देखो यहाँ पर र का स्वर है, त र त र त्र, तो यहाँ र का स्वर आता है, पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा मात्राज्ञा। देखो सु धन अच्छ, सु धन अच्छ यानी क्या होता है, स्वच्छ। देखिए सु इसमें उ का स्वर है और यहाँ अ है, तो शब्द बनेगा स्वच्छ। तो यहाँ पर हमारा यण संधि पूरा होता है। इसमें हमने देखा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसके पहले जो वीडियो हुई उसमें हमने देखा दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में जानकारी है। तो आपको इस वीडियो में जितने भी शब्द हैं उनको आपको नोटबुक में लिखने हैं, सभी भेदों की जानकारी आपको नोटबुक में लिखनी है और उसको पठन करना है।